रियासी हादसे के बाद सीमा हैदर का बड़ा बयान सामने आया है। सीमा हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान में बच्चों को आतंकी बनाया जाता है। भारत में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनते हैं। तो वहीं सीमा हैदर ने एक बार फिर से कहा है कि उनका 5 साल पहले ही गुलाम हैदर से तलाक हो गया था। गुलाम हैदर को तलाक उन्होंने दिया और फिर भारत आई वो। गुलाम हैदर का उनके बच्चों पर कोई हक नहीं है। मेरे बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, मैं ये बार बार कहती हूँ, भारत देश में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ बेटियों का सम्मान होता है, बेटों का सम्मान होता है। और मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और वो बड़े होके वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो बनना चाहे बनेंगे। ये मोदी जी की सरकार, भारत सरकार में उनका भविष्य है, बच्चों का। और है जैसे वहां बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया जाता है, ना कि आतंकवादी बनाया जाता है। कल भी वैष्णो देवी जाने वाली बस पे किसी आतंकवादी ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहां गोली मारी, और जो यात्रा पे जा रहे थे लोग, उनके ड्राइवर को गोली मारी। ये यात्रा पे जाने वाले लोग थे जिन पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। और मेरे बच्चे मेरे पास सही हैं, सुरक्षित हैं, मैं माँ हूँ उनकी, मैं गार्जियन हूँ उनकी, मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। तो जो भी मैं, जो लोग बच्चे मांगने की बात करें, मैं उनको यही कहूंगी, मैं माँ हूँ, मैं बच्चों की गार्जियन हूँ। वो इंसान जो 5 साल पहले हमें छोड़ के जा चुका है, उनका कोई अधिकार नहीं है बच्चों पे।